नवाज शरीफ खुश रहते कि उनको लग रहा था कि गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी जा रही है, प्रधानमंत्री खड़ा रहता है तो नहीं हवाई जहाज जाते हैं सलामी दिया जाता है। 10 मिनट बाद बताया गया कि अभी जो गया है जहाज ना, इंडिया का जगुआर जहाज था, नवाज शरीफ भाग गया। कहा नहीं जी तो वहां पे बहुत खराब जगह है। हम लोग जब भी बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान पर कब्जा करना है, ये नहीं कहते कि मुसलमान पर कब्जा करना। कैंसर और एचआईवी का मिश्रण पाकिस्तान नहीं सुधर, रीजन क्या, आप उनकी हत्या भी कर दोगे तो नहीं सुधर सकते, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को मार सकते हो, उसकी विचारधाराओं को नहीं मार सकते। कारगिल जान, कारगिल होते हुए ही आदमी कहां जाता है, सियाचिन। कारगिल होते हुए कहां जाता है, सियाचिन जाया जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कारगिल होते हुए कहां जाएंगे, सियाचिन। तो इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने कहां कब्जा कर लिया था, कारगिल में। कारगिल में 1999 में, कारगिल की पहाड़ियों पर ये घुस गए 1999 में, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब 99 में भारत की भी कहीं लापरवाही रहती है, बताइए। सियाचिन में घुसा तो विदेशी पर्यटक से मिला, कारगिल में घुसा तो काशी नामदयाल नामक एक चरवाहे से मिला, ये भारत की भी गलती रहती है। यहाँ पर हम लोग कुछ ज्यादा ही बिलीव कर लेते हैं इन पाकिस्तानी और चाइनीजों पे। गलवान में घुसा तब हमको पता चला, कभी सुने भारत घुस गया, हाँ नहीं जाते हैं लोग, सेना को डर नहीं लगता है। दिल्ली में जो बैठा है सुनो, लुटियंस दिल्ली में, इन सब को डर लगता है यहाँ पर। अब क्या करेंगे इन लोग को, इन लोग को भी एग्रेसिव रहना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे तो ताशी नामदयाल ने बताया कि कुछ पाकिस्तानी उधर घुस गए हैं, तब तक पता चले कि कितने घुसे हैं, तब तक भारत के जितने भी बड़े पहाड़ी थे, चाहे वो आपका तोलोलिंग था, टाइगर हिल, द्रास, बटालिक, ये जितने बड़े पहाड़ी थे कारगिल के, वो सारे पहाड़ियों पर कब्जा किसका हो गया, पाकिस्तानियों का। और वो पोस्ट खाली थे सब, रीजन क्या, हम लोग के पहले से समझौता करके रखे थे कि ठंड के दिन में हम भी खाली कर देंगे, तुम भी खाली कर देना। और जस्ट एक महीना पहले अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान और नवाज शरीफ से मिले थे, वहाँ पे बस यात्रा किए गए थे वहाँ पर नवाज शरीफ, तो पाकिस्तान ने घुसपैठ कर दिया। दिक्कत ये नहीं थी कि लड़ाई बहुत बड़ी थी, दिक्कत ये थी कि एकदम पहाड़ी पर बैठे थे और हम लोगों के बंकर में घुस के पूरी तरह सेटिंग करके एकदम अपने को खूब सेफ्टी ले लिए थे। अब कोई ऊंचा पहाड़ पर है, पूरा पत्थर लगा दिया, हल्का सा इतना गैप छोड़ा है, अब उस गैप से तो उसको पूरा एरिया दिख जाएगा और उसमें से बंदूक निकाल के पूरा बढ़िया से मार रहा है वहां पर। तो हम लोग की कैजुअल्टी बहुत ज्यादा हुई थी, अमूमन पहाड़ की कैजुअल्टी मानी जाती है। अगर ऊपर पहाड़ वाला पे एक आदमी है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको कितने चाहिए, 9 आदमी चाहिए होते हैं। इतना पहाड़ की लड़ाई टफ होती है, क्योंकि उसको चढ़ना नहीं, वो आराम से खड़ा है और आपको चढ़ना है, उसको ढूंढना नहीं, वो आपको ढूंढ रहा है पहले से और आपको देखना पड़ेगा। पहाड़ी में उसी तरह के कपड़े पहन लेगा। हम लोगों की कैजुअल्टी 27 हो गई, 1:27, इतनी भयानक कैजुअल्टी। तो ये तो दगाबाजी के चक्कर में हुआ। उसके बाद बफोर्स तोप, जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगा था ये घोटाला है, तो इस तो इस बफोर्स तोप ने ही युद्ध में हम लोग को जीत दिलाई थी। इसराइल के कुछ गाइडेड बॉम्बर ने भी हम लोग को इस युद्ध में जीत दिलाई थी। इसका नाम रखा गया कारगिल को जीतने के लिए विजय ऑपरेशन, ऑपरेशन विजय और सफेद सागर, ऑपरेशन विजय और सफेद सागर। मुख्य ऑपरेशन का नाम विजय और एक तो दूसरा नाम सफेद, इसमें तलवार और राजीव, मुख्य ऑपरेशन का नाम विजय। तो कारगिल विजय दिया। कारगिल की लड़ाई बहुत ही घमासान की थी, इसमें एयरफोर्स नेवी ने भी भाग लिया था। एयरफोर्स तो बम गिराने जा रही थी तो अपने सीनियर से पूछी, बम मार दे नदी उस पार, झेलम नदी के उस पार, तो कहे कि नहीं उस पार मत मारो, उस पार पाकिस्तान का एरिया आ जाता है, फिर बड़ा हो जाएगा युद्ध का माहौल, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अपने एरिया में मारेंगे तो कोई पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, क्योंकि सब लोग कहेंगे ना तू तो अपने एरिया में मार रहा, तुम घुसा का था यहाँ पर। हुआ भी यही, पूरी दुनिया पाकिस्तान का साथ नहीं दी थी। रीजन क्या था कि पूरी दुनिया हम लोग का साथ देती भी नहीं, सारी दुनिया हम लोग को गरिया रही थी। क्यों, 1998 में हम लोग परमाणु बम का परीक्षण किए थे, पूरी दुनिया किसको गरिया रही थी, हम लोग, अब पाकिस्तान को भी गरिया रही थी। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे अच्छा डिसीजन यही लिया कि भाई उस साइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर होगा तो लोग कहेगा भाई अपन अंदर बीमारी साफ हो रहा है हमारे। लेकिन अगर एयरफोर्स ने जो टारगेट सेट किया था वो एक्चुअली में नीचे नवाज शरीफ खड़े थे, और अगर उसने परमिशन दे दिया मार दो, कौन उड़ा रहता, नवाज शरीफ उड़े रहते यहाँ पर। और नवाज शरीफ खुश रहते कि उनको लग रहा था कि गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी जा रही है, प्रधानमंत्री खड़ा रहता है तो नहीं हवाई जहाज जाते हैं सलामी दिया जाता है। 10 मिनट बाद बताया गया कि अभी जो गया है जहाज ना, इंडिया का जगुआर जहाज था, नवाज शरीफ भाग गया। कहा नहीं जी तो वहां पे बहुत खराब जगह है वहां, नहीं है लेता ना तो सही रहता, मार देना चाहिए यहाँ। इन दो लोगों पे कभी मोह नहीं करना चाहिए। आप अगर चारों धाम जाइएगा उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना एक पाकिस्तानी को मार दीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
ये लोग दो तरीका, एक शॉर्टकट पुण्य कमाने का होता है, एक लॉन्ग कट। तो आप शॉर्टकट जाना चाहते हैं तो मार दीजिए इन सब को यहाँ पर, समझ में आएगी नहीं आ गया? तो लास्ट में आप लोग मार उड़ दीजिएगा, सब पुण्य खत्म, आपको बहुत पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो इन सब को समझ में नहीं आता है, इन लोग की यहाँ राजनीति ही इसी पे चलती है कि हमको क्या करना है, गजवाए हिंद करना है, भारत पे जीतेंगे। वो कभी भी एक चीज याद रखिएगा, वो देश की लड़ाई में नहीं जीत सकते जब तक वो इसको मजहब का नाम ना दे। और भारत के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग जब भी बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान पर कब्जा करना है, ये नहीं कहते कि मुसलमान पर कब्जा करना। लेकिन ऊ चोट्टा आके कहेगा गजवाए हिंद करेंगे, यहाँ पर अपना धर्म लहराएंगे, ससुरा तू नहीं आओ तुरा नौटंकी करके यहाँ बैठे हम लोग, आने दीजिए उसको, क्या दिक्कत है। आएगा फिर हम लोग को दामाद बना के जाएगा, उसके बाद जो हम लोगों से वहां पीढ़ियां पैदा होगी वही एक इलाज है। ससुराल कहेगा जो अगर भगवान भी उठ के कहेगा ना बकस दो पाकिस्तान को, तो भगवानों से लड़ जाएंगे। उस वो कैंसर है, कैंसर नहीं सही हो सकता है, कैंसर और एचआईवी का मिश्रण पाकिस्तान नहीं सुधर। रीजन कि आप उनकी हत्या भी कर दोगे तो नहीं सुधर सकते, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को मार सकते हो, उसकी विचारधाराओं को नहीं मार सकते। वो जब पैदा होते हैं तभी उनमें विचारधाराएं गलत होती है। रीजन क्या है कि पैदा होने में उनमें कई लोगों का हाथ होता है, तो इस वजह से एक आदमी का मतलब विचारधारा ही नहीं रहता है, विचारधाराओं की मिश्रण होते हैं उस समय अलग अलग टाइप का डीएनए होता है। अब उसके बाद ये यहां भी क्या हो गए, हार गए यहां पर। उसके बाद एक चीज ध्यान से समझना आप लोग, अगर आपको कहीं जाके लड़ाई करनी है, सपोज हमें चाइना में जाके लड़ाई करनी है या ताइवान में कहीं पे भी, अमेरिका वियतनाम कहीं जाके लड़ाई करना है, तो हम ये पैंट शर्ट पहन के जाएंगे, मिलिट्री वाला कपड़ा पहनेंगे, बढ़िया जूता पहनेंगे, पहाड़ वहाड़ हिल जाए, मिलिट्री वाला कैमोफ्लाइज वाला ड्रेस पहनेंगे कि कहीं गिर भी जाए तो दूर से लगेगी आदमी गिराएगी, कूड़ा करकट है, अजीब टाइप का ड्रेस होता है, ऐसा ही ना पहनेंगे, लड़ाई में वही आसान होता है। लेकिन कभी भी आप देखिएगा पाकिस्तानी जब आएंगे तो कुर्ता पैजामा पहनेंगे और ना टोपी लगाएंगे। आप रीजन समझो, वो लड़ाई करने नहीं आया है, वो मजहब दिखाने आया है। क्या दिखाने आया है? मजहब दिखाना। ये गड़बड़ बात रहता है, उन लोग को समझ, ये लोगों को समझाने, ये कहीं ना कहीं हमारी मिलिट्री और हमारी देश में जो मीडिया इस चीज को समझाने में भी असफल रही है। समझो यहां पर अगर इस चीज को हल्ला कर देंगे ना तो अगले दिन वो कुर्ता पहन के नहीं आएगा, समझ आएगा कि नहीं आ गया? अब कुर्ता पहन के नहीं आएगा ना तो पैंट शर्ट वाला कश्मीर में ऐसे ही पकड़ा जाएगा तो वो उन लोग की चाल अलग होती है, वो हमेशा से किसकी तैयारी, मजहब की लड़ाई देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत खराब नशा होता है, मजहब का नशा जो होता है बहुत खराब नशा, ये शराब 24 घंटा में उतर जाता है, ये कभी नहीं उतरता। इन लोग का कोई उपाय नहीं है। हम हिंदुस्तान में खुश हैं लोग, इंडिया ने क्रिकेट हार गई, बहुत बुरी तरह हार, ये हम लोग की गलती थी, ओवर कॉन्फिडेंस था, पाकिस्तान बहुत उसके हिसाब से बहुत एक तरफा जीत गया, अच्छा तैयार किया था वहां पर, खेल है हाजिर लगे रहता है, हम लोग भी कभी जीत जाते हैं। बट वहां का मंत्री कहता है कि गृह मंत्री वहां का क्या नाम है उसका, शाह करके कुछ कुरैसी करके, वो कहता है कि मतलब भारत के मुसलमान उनके साथ थे। आपको क्या लगता है, मतलब उसका क्रिकेट नहीं जीता है, इस्लाम जीता है, मतलब क्या है उनका? अरे भाई अभी वो बहुत अच्छा पता चला, फिर कौन उठेगा कहेगा क्रिकेट हराम है तुम अपने में पहले सलट के आओ, यहाँ पे कभी कोई कहेगा शतरंज हराम है, कोई कहेगा पतंग उड़ाना, क्रिकेट नौटंकी करके रख देता। भाई ठीक है, आप अपनी टीम को क्या देते, बधाई देते, आपकी टीम बहुत अच्छे से जीत गई, लेकिन उसमें भी इन चोट्टों को क्या दिखता, मजहबे दिखता है।